are you a strong person? No, I'm not talking about your physical health or how financially strong you are. I am talking about your mental health. और मैं ये आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि एक रिसर्च बताती है कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा लाइवली और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है वो अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी निराशा उन्हें घेर लेती है और बहुत जल्दी नाकामयाबी उन्हें जकड़ लेती है। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एकेडमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, जो ठीक ढंग से अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आज उनके पास नेम, फेम, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, फ्रेंडशिप, नॉलेज, पीस ऑफ माइंड, हर वो चीज जिसका एक आदमी सपना देखता है, तसव्वुर करता है, वो उनके पास मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग थे। और कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास सब कुछ था, सब कुछ माने सब कुछ था, लेकिन फिर भी किसी क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं आए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि इन छोटी छोटी परिस्थितियों से लड़ने के लिए फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है। Hi, I am Anurag Rishi, a transformational speaker, human potential trainer, a counselor, and your friend. और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से वो काम है जो mentally strong लोग नहीं करते, या कौन से वो काम है जो आप भी ना करें तो आप भी mentally strong बन सकते हैं। कुछ 13 points मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ एक book से, जिस book का नाम है 13 things mentally strong people don't do. So be with me till the end of this video, क्योंकि अगर इन सभी points को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया और आपने भी इन कामों को ना करने का निर्णय ले लिया तो आप भी एक mentally strong इंसान बन सकते हैं और जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। And the first point is they don't waste time feeling sorry for themselves. वो सेल्फ पिटी के शिकार नहीं होते, वो खुद पे तरस खाने के शिकार नहीं होते। आप बहुत से लोगों को देखेंगे जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है वो खुद पर तरस खाते हैं। आप अक्सर उनको ऐसा बोलता सुनेंगे कि जितनी मुश्किल मेरी जिंदगी में है उतनी किसी की जिंदगी में नहीं है। वो एक बीमारी से गिर जाते हैं जिसको सेल्फ पिटी बोला जाता है, खुद पे तरस खाने की आदत, उनको ये आदत पड़ जाती है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग खुद पर कभी तरस नहीं खाते, वो हमेशा बाउंस बैक करते हैं, वो अपना समय बर्बाद नहीं करते सेल्फ पिटी पर। उसी तरह अगर हम भी इस आदत को अपना लें तो हम भी मेंटली स्ट्रांग इंसान बन सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, दे डोंट गिव अवे देयर पावर, मींस दे डोंट अलाउ अदर पीपल टू कंट्रोल ओवर देम। वो दूसरे लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देते, वो नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी को कोई दूसरा इंसान कंट्रोल करे। और वहीं दूसरी तरफ मेंटली वीक लोगों को कोई ना कोई उन्हें कंट्रोल करने वाला चाहिए होता है। उन्हें चाहिए कि कोई ना कोई आकर कहे कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है। उन्हें चाहिए कि कोई ना कोई उन्हें बेचारा कहे, उन्हें इस बात में रस मजा आता है। वहीं जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनका मूड कोई दूसरा खराब नहीं कर सकता। दे हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस एंड देयर चॉइसेस। पॉइंट नंबर थ्री, दे डोंट रन अवे फ्रॉम चेंज। वो बदलाव से नहीं भागते। आप देखेंगे जो लोग मेंटली वीक होते हैं वो जैसे ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं घबराना शुरू कर देते हैं। वो जैसे ही अपने सिटी से भी बाहर निकलते हैं उनको लगता है अब क्या होगा, मैं किसी को नहीं जानता, किसी से बात नहीं कर सकता, कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। और यही उनके साथ पढ़ाई में, यही उनके साथ काम में, बिजनेस में, हर जगह ऐसा होता है कि मैं ये कैसे करूंगा। लेकिन वहीं जो लोग मेंटली स्ट्रांग हैं वो चेंज से घबराते नहीं, वो परिवर्तन से बिल्कुल नहीं घबराते। वो चाहते हैं कि जब परिवर्तन होगा तो ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इज चेंज। आप देखेंगे किसी भी इंसान ने तरक्की की है तो बहुत बड़े चेंज के साथ की है। और कुछ लोग वही चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो लोग मेंटली वीक लोग होते हैं और वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। तो मेंटली स्ट्रांग अगर हमें भी बनना है तो हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके साथ अपने कदम से कदम को मिलाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर फोर, mentally strong people don't waste energy on things they cannot control. Means जो चीजें उनके control में नहीं है वो उन पर अपनी energy waste नहीं करते। जैसे किसी सामान का खो जाना, बहुत से लोग सामान खो जाने पर हाय तौबा मचा देते हैं, जबकि जरूरी इस समय यह है कि उसको ढूंढने पर energy लगाई जाए, न कि सिर्फ चिंता करने पर। कुछ लोग ट्रैफिक जैम में हाय तौबा मचा देते हैं, जरूरी यह है कि जो समय अब आपको यहाँ ट्रैफिक जैम में मिला है उसको यूटिलाइज किया जाए कुछ अच्छे वीडियोज देख के। वहीं आप देखेंगे जो लोग मेंटली वीक हैं वो सारा दिन उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो पीएम का फॉरेन ट्रिप हो, बारिश का आना या ना आना हो, धूप का कम या ज्यादा होना। लेकिन वहीं ऑन द अदर साइड द मेंटली स्ट्रांग पीपल ऑलवेज फोकस ऑन देयर एटीट्यूड।
they don't focus on the things they cannot control. So agar hame bhi mentally strong banna hai, to jo cheeze hamare control mein nahi hai, un par energy waste karna chhod dena chahiye. Point number 5, they don't worry about pleasing everyone. Wo har kisi ko khush karne par nahi rehte. वो हर किसी को हाँ बहुत जल्दी से नहीं बोलते और बहुत जल्दी से ना बोलने में कतराते भी नहीं। वो हर किसी को बड़ा सोच समझ के अपना समय देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि समय एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। वो हर किसी को हर किसी काम के लिए हर किसी चीज के लिए हाँ नहीं बोल देते। वहीं मेंटली वीक लोग जो है वो जिस काम को नहीं करना चाहते उसके लिए भी वो हाँ बोल देंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग अपने समय की वैल्यू जानते हैं, वो जानते हैं कि उनका टाइम कितना ज्यादा कीमती है और वो अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए वो दूसरों के लिए अपने समय को बर्बाद नहीं करते और दूसरों को हमेशा खुश करने में नहीं लगे रहते। पॉइंट नंबर 6, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क हम सबकी जिंदगी में है, हर काम में रिस्क है। जिस भी चीज में आगे बढ़ना हो रिस्क के बिना नहीं बढ़ सकते। लेकिन रिस्क दो तरह के हैं, एक रिस्क, दूसरा कैलकुलेटेड रिस्क। सपोज बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए 11th नंबर का बैट्समैन आया है, यानी कि जो बैट्समैन है ही नहीं, जो बॉलर है उसको बैटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो बैटिंग करने के लिए आया है। अब जब वो किसी पेसर को या किसी परफेक्ट स्पिनर को आगे बढ़ के 6 लगाता है तो ये एक रिस्क था। लेकिन वहीं एक बैट्समैन किसी स्पिनर को लॉन्ग ऑफ में बहुत जोरदार 6 हिट करता है तो ये कैलकुलेटेड रिस्क था। जो पहले जिस बैट्समैन ने 6 लगाया, जो 11th नंबर पे आया था, उसको नहीं मालूम था कि कितने एंगल पे किस तरीके से उसने जो किया वो एक रिस्क था, उससे वो आउट भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ जहां सचिन तेंदुलकर ने 6 लगाया वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था, उसका एंगल बहुत परफेक्ट था, उसको पता था कि बॉल रिस्क उसमें भी था, आउट होने का ना होने का रिस्क उसमें भी था, लेकिन उस रिस्क में कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी। वहीं जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो सब देखकर सोचकर समझकर किसी चीज में एंटर होते हैं। लेकिन जो मेंटली वीक लोग हैं वो हमेशा रिस्क लेते हैं, वो उस 11th नंबर के बैट्समैन की तरह हैं जो सिर्फ आगे बढ़कर शॉट लगाना जानते हैं, उसको कैलकुलेट करके, उसको ऑब्जर्व करके, अच्छे से ध्यान देके अपनी जिंदगी में उतारना। हे फ्रेंड्स, आज मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए और नेक्स्ट 7 पॉइंट्स इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा निरंतर ये प्रयास है कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जिनसे लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सके, जिनसे लोगों की जिंदगी में चेंज आ सके, ड्रास्टिक चेंज आ सके और सेल्फ डेवलपमेंट हो सके। मेरा ध्यान, मेरा फोकस सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं दूसरे लोगों को मोटिवेट करूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करूं जिसको अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में उतारता है तो उसकी डेवलपमेंट हो जाए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। इसी प्रयास के साथ इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि आप ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंचाएं। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी चैलेंज है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पर आप मैसेज के थ्रू मुझसे वो बात पूछ सकते हैं। और मेरी टीम की यही कोशिश रहती है कि हर एक इंसान के क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब दिया जाए ताकि उसको अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं जो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंज ला सके। बहुत जल्दी मिलते हैं ढेर सारी इंस्पिरेशन और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ। बी हैप्पी, बी अलाइव।